लालचंद राजपूत का की प्रासंगिकता यहां पर इस हिसाब से समझिए कि 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब हमने सबसे बुरा दौर देखा, तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप से लेकर और उसके बाद जो हमारा 2007-08 का दौरा था वहां तक उंगली पकड़कर लालचंद राजपूत छोड़कर आए थे टीम इंडिया को। किस तरीके से बदली थी टीम इंडिया ये सबने देखा था। तो खिलाड़ी होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, BCCI होता है और जिम्मेदारी सबकी होती है। केवल खेल है, हार जीत होती रहती है नहीं कहा जा सकता। कीर्ति जी, क्या आप सहमत रहेंगे इस बात से? अवश्य पूरी तरह से सहमत हूं, हार जीत तो होती है। लेकिन मैं जिस समय हम लोग खेला करते थे और जो आज का समय है उसमें काफी अंतर है। खेल तो वही है लेकिन इम्प्रोवाइजेशन आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हम जब खेलते थे तो 14 या 15 खिलाड़ी होते थे, एक मैनेजर हुआ करता था। अगर दूसरी टीम के खिलाफ हमें कोई रणनीति बनानी है तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स खेले हुए हैं उनके दिमाग में क्या क्या उनकी मेमोरी रही है उसके मुताबिक चलता था। आज में टेक्नोलॉजी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर एक खिलाड़ी की कमजोरी और उसकी मजबूती मालूम होती है। आप जब कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पर देखें तो बताते हैं यहां पर बाउंसर मारो, रोहित शर्मा को तो इतनी बार आउट हो गए, यहां पर सीधी आती है तो वो छक्का उड़ा देते हैं, फलाना बॉलर है वो आगे रखते हैं, अच्छी स्विंग करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हमें उस समय मेमोरी करनी पड़ती थी। आज जितने टोटल प्लेयर्स हैं उतने ही सपोर्ट स्टाफ है। आपके पास एक मेन कोच है, एक बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है, आपके पास अलग अलग जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक प्लेयर को सपोर्ट के लिए वो सारा कुछ है। मुझे सिर्फ केवल इससे पहले कि मैं अपनी सकारात्मक आलोचना करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने खेलते समय में भी हम लोगों ने गलतियां की थी लेकिन वो मेमोरी से हुआ करती थी। मेरा तो सिर्फ प्रश्न ये है कि हम जब गए थे यहां से उसी समय हमें मालूम था कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है। और दूसरी बात क्या रही कि हमें कभी भी इस पूरे सीरीज में ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला। विकेट गिरती थी, विराट कोहली जो स्ट्रोक प्लेयर है वो एंकर में आ जाता था क्योंकि दूसरा ही विकेट गिरता था, सूर्य कुमार मारने वाला है, दोनों तरफ से हिटिंग नहीं हो सकती थी इसलिए वो एंकर के रोल में आ जाता था। केवल आप मैच अगर देखेंगे इंग्लैंड के विरुद्ध तो लास्ट 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या ने वो 17 बॉलों के अंदर 50 रन बनाए, अन्यथा हम शुरू से लेकर 10वें ओवर तक में हमारा स्कोर 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है। जो पहले 6 ओवरों में हमें अटैक करके बॉलर्स को खत्म कर देना चाहिए वो इस मैच में नहीं हुआ। दूसरी बात कि रशीद और लिविंगस्टोन दोनों स्पिनर हैं और हमारे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं स्पिन के लिए, उनके 7 ओवरों में केवल 41 रन गए हैं। यह सब के कारण क्या है, इस कारण का विश्लेषण आगे जैसे कार्यक्रम चलेगा उस पर करेंगे। लेकिन जो मेरी समझ से है कि आज की इस तैयारी, मतलब आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है उसमें केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड हरदम रिस्ट स्पिनर के खिलाफ थोड़ा कमजोर रहा है। वह आप इतिहास से उठा लेंगे, शेन वॉन से उठा लेंगे, कुंबले को उठा लेंगे, इन सबों को लेंगे, यहां तक कि चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाल दिए थे ओवल के अंदर जब हम टेस्ट पहला टेस्ट जीते थे और सीरीज वहां से जीत के आए थे, शायद मदीपा उसकी सीरीज के वो थे। इस मैच में यजुवेंद्र चहल को खेलना चाहिए था। हर एक टीम के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है लेकिन यहां पर ऐसे लगा कि पूरी टीम की हर टीम के लिए एक ही स्ट्रैटेजी थी। उनसे जब पूछा गया कि चहल को क्यों नहीं खिला रहे तो उन्होंने कहा कि दे डोंट फिट इन टू आर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो भाई लेके क्यों गए थे, उनको पर्यटन कराने ले गए थे क्या? तो ये सारी चीजें हैं, जब आगे बात चलेगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी सनी भाई, इंडियन टीम का सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर हम पूरे टूर्नामेंट को भी ले लें और पूरे टूर्नामेंट को लेकर भी नाराजगी नहीं है। लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2013 में आखिरी ICC ट्रॉफी आपने जीती, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, उसके बाद से क्या हो गया? क्या हम भूल गए हैं जीतना? क्या IPL को जन्म देने वाला देश T20 में महारत ही नहीं हासिल कर सकता है? देखिए, अगर हम क्रिकेट के अलावा फुटबॉल की भी बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग भी सबसे दुनिया में मशहूर लीग है और सब, मतलब वहां के परदेश के प्लेयर, सिर्फ इंग्लैंड के प्लेयर नहीं, ओवरसीज प्लेयर्स भी आके वहां पे खेलते हैं। पर इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है 1966 के बाद। तो हमारे IPL के साथ भी वैसा ही हो रहा है कि हम बहुत सारी मैचेस खेलते हैं, इंग्लैंड के प्रीमियर लीग में भी तो बहुत सारी मैचेस होती है, तो हमारी टीम जो होती है
देखिए आईपीएल का स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। फर्क है कि जो एक मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया के अगर हम गेंदबाज ले हेजलवुड स्टार्क और अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, पर जब ऑस्ट्रेलिया के खेलने साथ खेलने आते हैं तो दोनों जब खेलते हैं तो बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें खड़ी होती है। तो आईपीएल खेलने से एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, पर इससे ये नहीं कि आईपीएल खेल रहे इसलिए टूर्नामेंट जीतना जरूरी है। हमारी गलतियां ये हो रही है कि हमने जो टेम्पलेट अभी इस टाइम जो इस्तेमाल किया था कि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि पहले 6 ओवर में कुछ भी हो हम बल्ला घुमाएंगे और बल्ला घुमा के हम जितने रन करने वो करेंगे, 3 विकेट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बातें हमें सुनाई नहीं जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे तुम्हारे 3 विकेट गए 30 में अगर 6 ओवर में तो कोई बात नहीं, कैसी बात हो सकती है। यही तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इंग्लैंड की जो अटैक इंग्लैंड की बैटिंग देखी, उन्होंने भी बहुत सारे शॉट खेले, सारे अलोंग द ग्राउंड बीच में खेले, जब कोई ऊपर से मारना था तो सोच समझ कर, मैं बल्ला घुमाया नहीं ऐसे भाई, बल्ला घुमाया नहीं। और इसीलिए तो हमारी टीम जो पहले 1-2 6 ओवर में एक आधी विकेट जाती थी उससे फिर बाकी के लोग जो आने वाले थे नंबर 3 पर नंबर 4 पर उनको मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बनना था, तो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में ओवरेज आ रही थी। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि हमें कभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत नहीं मिली। ओपनर्स ने हमें शुरू शुरू में हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। ये बहुत सारी वजह है मदन जी, मतलब अगर हम पावर प्ले की बात कर लेते हैं उसको कॉम्पेंसेट हमेशा आप डेथ ओवर्स में नहीं कर सकते हैं जाके, ये सारी चीजें। लेकिन वही चीज मैं कह रही हूँ कि अब ये अनफेयर क्रिटिसिज्म या फेयर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, अब बात है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। यानी कीर्ति जी ने भी जो कहा कि सकारात्मक अगर मुझे आलोचना करनी है तो उसका सीधा मतलब होता है वो जो बदलाव किए जाएं। सकारात्मक आलोचना का ही समय है, पर उस आलोचना को सुनना पड़ेगा सबको। अब बिल्कुल सुनना पड़ेगा। देखिए आलोचना स्पोर्ट्स में होती ही होती है, पर जैसे आपने वर्ड यूज किया कि ये सारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, दे आर आंसरेबल। ये जो हमने शुरुआत जैसे आपने की थी, और देखिए हमने हमारी टीम अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी, पर हमने गलतियां बहुत की है। एक तो कैप्टन और कोच की इतनी रिजिड अप्रोच कि नहीं हम यही करेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने युविंदर चहल को सारा साल दो यहाँ पे बिल्कुल खिलाया, अब सडनली रवि शास्त्री और विराट कोहली ने अश्विन को बिल्कुल नहीं खिलाया 2020 क्रिकेट, और उसके बाद आपकी रिजिड अप्रोच, आपने कंडीशन रीड नहीं अच्छी की। हम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं जो अश्विन का जो बॉल सीधा ही जाता है, इवन अक्षर पटेल इंडिया में बॉलिंग करना अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना बिल्कुल अलग बात है, गेंद उसमें टर्न ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारी एक अप्रोच, केएल राहुल बहुत अच्छा खिलाड़ी, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमने कोई दूसरा कोई विकल्प देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत को ऊपर भेज के ट्राई कर लेते, उसने 6-7 मैच में एक बार 50 बनाया सिर्फ। तो आपको थोड़े बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि हमारी कैप्टन और कोच जो है इनकी थोड़ी सी जो प्रदर्शन कह लीजिए या क्या कह लीजिए इनको, वो थोड़ा सा बिल्कुल जवाबदेही तो तय होनी है। जवाबदेही तो तय होनी है, जवाबदेही किसको देगा कोई। हाँ। जवाबदेही मैंने कल भी आपसे कहा था कि जवाबदेही हमारे 2-3 ऐसे बड़े खिलाड़ी जैसे सुनील हुआ या कपिल हुआ या सचिन तेंदुलकर हुआ, इनको 1-3 बंदों की ऐसे करें जो आके बैठ के उनसे जवाबदेही करें और उसके बाद बताएं भी हाँ ये गलती हुई, हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। अगर आपने ऐसे ही चलना है और ऐसे जाके फिर अगर स्टार्ट करना है तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही होंगे। और युविंदर चहल को आपने बिल्कुल ही नहीं खिलाया और इसके बाद ना ही आपने ऊपर ट्राई किया किसी को। बाकी मदन जी एक बात तो जो आपने कही उसको हम आगे इसको हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विराट और रवि शास्त्री अगर अश्विन को बिल्कुल भी टीम में नहीं यूज कर रहे थे और द्राविड और रोहित के लिए अचानक वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, तो हम ये भी पूरी सूची अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हमारे पास इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कितने कैप्टन हैं, क्योंकि एक कैप्टन की ही टीम होती है वो उसे गढ़ता है, वो सोच उसके साथ रहती है।